चमोली में पखवाड़े के शुभारंभ के अवसर पर आज जिला मुख्यालय में जिलाधिकारी हिमांशु खुराना के नेतृत्व में वृहद स्वच्छता अभियान चलाया गया है। इस अवसर पर जिला अस्पताल परिसर में स्वच्छता अभियान चलाया गया। तमाम विभागीय अधिकारी कर्मचारियों ने जिला अस्पताल परिसर में स्वच्छता अभियान चलाकर स्वच्छ भारत मिशन के सपने को साकार करने का आह्वान किया है। जिलाधिकारी ने बताया कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले सेवा पखवाड़े के अंतर्गत विभिन्न जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जिला अस्पताल में आयोजित ब्लड डोनेशन कैंप का भी जिलाधिकारी ने शुभारंभ किया है। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने अधिक से अधिक लोगों को ब्लड डोनेट करने का आह्वान किया। जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने स्वयं भी ब्लड डोनेट कर इस मिशन में भागीदारी बनने का आह्वान सभी लोगों से किया है। जिलाधिकारी ने कहा कि रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं है, इसमें कोई कमजोरी नहीं आती है। सभी स्वस्थ लोग अपनी सुरक्षा से अधिक रक्तदान करें और जरूरतमंद लोगों के जीवन को बचाने में अपना योगदान करें। उन्होंने बताया कि आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पर 17 सितंबर से 1 अक्टूबर तक रक्तदान अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इस दौरान जनपद के विभिन्न स्थानों पर रक्तदान शिविर लगाए जाएंगे। चमोली से संदीप कुमार की रिपोर्ट। इंडिया स्वच्छता लीग ने स्वच्छता पखवाड़े में जिला चिकित्सालय परिसर में हमने स्वच्छता अभियान चलाया, साथ ही साथ उसके बाद जो रक्तदान सेवा पखवाड़ा है उसका भी हमने जिला चिकित्सालय में हमारे द्वारा शुभारंभ किया गया। तो हमारा सभी से अनुरोध है कि स्वच्छता पखवाड़े के क्रम में सभी अपने क्षेत्र में सफाई बना के रखें और वेस्ट मैनेजमेंट के जो नियम है उसके क्रम में डोर टू डोर सेग्रीगेशन है, सोर सेग्रीगेशन है, डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन है, उसका अनुपालन करें, अपने यूजर चार्ज को जमा करें, अपने शहर को स्वच्छ बनाने में अपना योगदान दें।